सिर्फ दो एक दो बात करते हुए मैं अपना मुख्तसर सा खिताब करते हुए मुख्तसर सा खत्म करूंगा। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को मुझे मौका दी, मैं इसका कांग्रेस पार्टी के कायद अब रेवंत रेड्डी साहब, राहुल गांधी साहब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में आप सबसे ये वादा करता हूं कि मुझे मुंतखब करेंगे तो मैं आपके साथ रहकर रात दिन हलके की कामयाबी के लिए, हलके के डेवलपमेंट के लिए आपके साथ रहकर काम करूंगा। और कल सुबह, कल दो रोज पहले मैं एक वीडियो बनाया कि भाई हमारी रोड खिलवत से हुसैनी आलम जाते हुए इतनी खराब है और सुबह उठ के देखता हूँ कि रोड पड़ जाती है। जब तक कि अगर इनके पास इनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए आप एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए, मुझको मौका दीजिए, मैं आपके बीच में रहकर इस हलके की कामयाबी के लिए, इस हलके के डेवलपमेंट के लिए रात दिन मेहनत करूंगा। और आप देख रहे हैं कि इस हलके के कई लोग, जैसा कि बाफर आगा साहब थे, ख्वाजा अबू सईद साहब थे MLA, आज इनका नामो निशान नहीं है क्योंकि ये लोग इनको फरामोश कर दिए हैं। सिर्फ इन और यही और इनकी औलाद, इनकी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करना चाहती है। इससे आप लोग होशियार रहिए और इनको इस बार नाकाम बनाइए इनकी साजिशों को। और ये लोग जो BRS की तायद कर रहे हैं, ये डायरेक्ट बीजेपी और BRS के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं उसके लिए उनको नाकाम बनाते हुए उनके कांग्रेस के हक में वोट दीजिए। खुदा हाफिज। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। डेवलपमेंट नहीं किया 7 साल से, उसके लिए हम बहुत अगेंस्ट हैं और चाहते हैं कि वो हम नया बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए सारे लोग एक्साइटेड है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब होगी। शुक्रिया, जय कांग्रेस। चाहिए तुमको, अभी एक तकरीर सुन रहा था विभाषा की, मालूम ना विभाषा काम को पट्टी लगी हुई है। इलेक्शन आते कुछ ना कुछ हो जाता, कभी पेट पकड़ के निकलते जैसे इनकी डिलीवरी होने वाली है। इलेक्शन आते तमाशे, पानी आ गया, घरों में पानी घुस गया, पट्टा ऊपर लगा के निकले हुए, कमर का पट्टा, कमर का पट्टा अंदर बनते, शेरवानी के ऊपर बनते, अंदर भी है, पैंट के अंदर बनते, पैंट के ऊपर पहनते, अंदर भी है, अंदर पहनते, अंदर पहनने की चीज बाहर पहन के कमर को हाथ लगा के पानी में निकले हुए हैं। अब कान को एक पट्टी लगा के निकले तो मैं बोला एक कान में क्या हो गया इनको, मालूम आप करा तो मालूम हुआ कि इनकी कान छिपी हुई थी। हबीबाजी कान छिपाई हुई पस आ गया। उसके बाद इलेक्शन के बाद बालियां डालेंगे, आजकल रिंग रोड पे बहुत दिख रहे हैं बालियां वाले। नहीं, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम बालियां पहनो, मैक्सी पहनो, कुछ भी पहनो, मेरे को इतराज नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, राजा सिंह मलून के खिलाफ कैसे नहीं लड़े? उन्हें बोल रहा मैं बोल रहा ना, फिर आप लड़े कैसे राजा सिंह से? हैदराबाद पार्लियामेंट